इट्स टुडेज सब्जेक्ट EVS पार्ट 14 एंड टुडेज आवर टॉपिक वेजिटेबल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्राउंड वेजिटेबल्स। आज हमें ग्राउंड वेजिटेबल्स के बारे में जानकारी लेनी है। ग्राउंड वेजिटेबल्स मतलब जो वेजिटेबल्स जब हम फार्म में लगाते हैं तो ये हमें ज़मीन के अंदर यानी जो सॉइल होती है उसके अंदर ये बड़े होते हुए दिखते हैं, और जब इनकी ग्रोथ पूरी हो जाती है तब इसे हम ज़मीन के बाहर निकालते हैं, इसलिए इन्हें ग्राउंड वेजिटेबल्स कहा जाता है। जैसे कैरेट, कैरेट जो है ये ग्राउंड वेजिटेबल का टाइप है। बीटरूट, पोटैटो, रेडिश एंड टर्निप, दीज आर द ग्राउंड वेजिटेबल्स। कैरेट, बीटरूट, पोटैटो, रेडिश, टर्निप, आपको ये अच्छे से रिमाइंड करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्राउंड वेजिटेबल्स। मैच द पिक्चर विथ करेक्ट शेडो, आपको यहाँ पे ग्राउंड वेजिटेबल्स की पिक्चर दिए गए हैं और उनकी शेडो कैसी आ सकती है ये आपको दिया है अगले कॉलम में। तो आपको ये जैसे ये बीटरूट है तो इसकी एज इट इज़ इस शेप की शेडो कैसे आ सकती है ऐसे, तो आपको ये एज इट इज़ मैच करना है, शेडो कैसे आ सकती है वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, सर्कल ऑल वेजिटेबल्स। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिनमें से हमें वेजिटेबल्स को आइडेंटिफाई करना है। कोई भी वेजिटेबल हो, सिर्फ ग्राउंड वेजिटेबल होना चाहिए ऐसा नहीं, वेजिटेबल अगर हो तो उसे हमें सर्कल करना है। इन दिस वे वी फिनिश्ड आवर टॉपिक वेजिटेबल्स।